राड क्षेत्र के ददरी गांव में हुई फायरिंग से पूर्व प्रधान व उसके पुत्र की हुई मौत। दूसरा पुत्र गोली लगने से हुआ गंभीर। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है तीसरा घायल। मामला जनपद हमीरपुर की राड कोतवाली की ग्राम ददरी का है, जहां पर शाम को हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग में पूर्व प्रधान पृथ्वीराज यादव पुत्र दयाराम व उसके पुत्र जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पृथ्वीराज का दूसरा पुत्र धीरेन्द्र गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के द्वारा राड CHSC में भर्ती कराया गया, जिसे औपचारिक इलाज के बाद झांसी रेफर कर दिया गया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटनास्थल पर ग्राम में भारी पुलिस फोर्स बल मौजूद है। कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह मौजूद है। घायल धीरेन्द्र ने गांव के ही कुछ लोगों पर रंजिशन फायरिंग कर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी घटना के बाद फरार है और जल्द ही उनको पकड़ लिया जाएगा। घायल से पूछताछ की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अनिल कुमार की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।